उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस ने अफीम की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने झारखंड से पंजाब ले जाई जा रही 6 करोड़ की अफीम बरामद की है और पुलिस ने 3 शातिर अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना सेहरामऊ दक्षिणी के संयुक्त कार्रवाई में 3 मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वाले अंतर प्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल मिलाकर 6 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है जो झारखंड से लाई गई थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए होती है। इसमें गिरफ्तार किए गए अभियुक्त 2, इसमें राहुल और गुलाब, ये झारखंड के रहने वाले हैं चात्रा के, और तीसरा अभियुक्त ब्रजेश कुमार, ये थाना मदनापुर क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये बात जानकारी में आई है कि ये राहुल और गुलाब ये दोनों काफ़ी समय से इस अवैध धंधे में लिप्त हैं और इनके द्वारा वहाँ झारखंड से अफीम लाकर यहाँ ब्रजेश को दी जाती है। ब्रजेश इस अफीम को ले जाकर वहाँ तरन तारण पंजाब में इसका विक्रय करता है और ये जो कनेक्शन कॉन्टैक्ट बना, ये बेसिकली ये आढ़त का काम कभी करता था ये ब्रजेश। इसकी वजह से इसका परिचय कुछ झारखंड के लोगों से हुआ, जिसके माध्यम से वहाँ से अफीम मंगाने लगा और पंजाब में भी काम करता था, जिससे वो पंजाब के कुछ लोगों से इसके कॉन्टैक्ट बने तो ये उसकी सप्लाई वहाँ करने लगा। और इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और इससे प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सेहरामऊ दक्षिण में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं गाजीपुर पुलिस ने भी एक अंतर जनपदीय हीरोइन तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम हीरोइन बरामद किया है। बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,80,00,000 की कीमत बताई जा रही है। साथ ही तस्करों के पास से 40,000 नकदी और 1 बाइक बरामद किया गया है। दरअसल पकड़े गए 3 तस्करों में चंद्रजीत यादव निवासी माहेपुर थाना करंडा का रहने वाला है, जबकि दूसरा तस्कर कैलाश यादव नसीरपुर थाना करीमुद्दीनपुर का रहने वाला है और तीसरा तस्कर जितेंद्र गुप्ता निवासी शहर के उर्द बाजार थाना सदर कोतवाली का रहने वाला है। पकड़े गए सभी तस्करों के खिलाफ थाना जंगीपुर में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तारीख की गई है, क्या है पूरा प्रकरण? आज हमारी थाना जंगीपुर पुलिस शॉर्ट सर्विलेंस ने क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसमें इनके द्वारा चेकिंग के दौरान जंगीपुर थाना क्षेत्र में बैसो नदी पुल के पास 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ, लगभग 1 किलो 80 ग्राम हेरोइन पाउडर जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, इसके अलावा इसी कृत से इनके द्वारा कमाए गए 40,000 रुपये और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। जो बरामद ड्रग है इनके पास से जो बरामद किया गया है उसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है लगभग। बता दें कि यहां पर मादक पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी हमेशा देखने को मिलती है। आए दिन पुलिस की कार्रवाई में इस अवैध धंधे से जुड़े लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अवैध माल की बरामदगी भी होती रही है। इसी क्रम में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस गिरफ्तार बदमाशों के बाकी साथियों और नेटवर्क की छानबीन में जुटी हुई है। पंजाब के सीटीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल और गाजीपुर से मोहम्मद आरिफ अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।